जय हिंद दोस्तों हम लोग गौरव सर का जो पेड बैच है उसका फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आज देखिए हम लोग माइट्रो माइट्रोकांड्रिया से आगे पढ़ेंगे तो माइट्रोकांड्रिया माइट्रोकांड्रिया के बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं तो माइट्रोकांड्रिया के बाहरी झिल्ली को हटा देने पे उसे कहते हैं माइट्रोप्लास्ट कहते हैं क्या कहते हैं तो माइट्रोप्लास्ट कहते हैं उस लाइसोसोम लाइसोसोम कि खोजकर्ता कौन थे तो लाइसोसम के खोजकर्ता थे डी डूबे डी डूबे कौन थे तो डी डूबे थे ठीक है डी डूबे थे माइट्रो लाइसोसम कार्य क्या करता है तो लाइसोसम जो भी क्षतिग्रस्त कोशिका हो जाता चारीय चा है उसका क्या कर देता है पाचन कर लेता है उसे खा जाता है क्या करता है जो भी क्षतिग्रस्त कोशिका होती है उसे खा जाता है दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो स्लो लगे तो उसे फास्ट में आप लोग देखा कीजिए कोशिका की आत्महत्या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो ये इसे लाइसोसोम को कहते UH हैं सुसाइडल बैग किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका के सफाईकर्मी किसे कहते हैं तो आपको लाइसोसोम को कहते हैं एटम बम किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं तो जितने भी लाइसोसोम से क्वेश्चन थे यहाँ पे कवर हो गए हैं पूछता है क्वेश्चन की लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन थे तो डे डूबे थे कोशिका का क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन कौन करता है तो लाइसोसोम करता है कोशिका की आत्मघाती आत्म थैली किसे कहते हैं या सुसाइडल किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं लाइसोसोम को एटम बम किसे कहते हैं कौन सी कोशिका को एटम बम कहते हैं तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं एटम बम कहते हैं अंत्रद अंतप्रदविक जालिका या तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाजिक एंडोप्लाजिम रेक्टू रेक्टिकुलम यह देखिए इसे कहते हैं एक होता है ई आर इसे क्या कहते हैं ई आर कहते हैं ई आर को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाजमिक रेक्टिकुलम अंतप्रद्यविक जालिका इसकी खोज कौन किया था तो खोज आपके पोर्टर ने किया था कौन किया था तो पोर्टर ने किया था अब देखिए यह दो होती है एक चिकनी होती है एक क्या होता है रफ खुर्द रफ होती है चिकनी में जो आपका राइबोसोम नहीं होता है चिकनी जो ई ER आर होती है उसमें क्या नहीं होता तो राइबोसोम नहीं होता तो यह चिकनी जो ई आर ER होती है यह हमारी लिपिड या वसा का निर्माण करती है क्वेश्चन पूछता है चिकनी जो ई आर होती है उसमें क्या राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम नहीं पाया जाता वह किसका निर्माण करती है तो वसा का निर्माण करती है उसके बाद जो खुरदरी आर होती है या रफ ईयर जो होती है क्या उसमें राइ राइबोसोम पाया जाता है तो उसमें राइबोसोम पाया जाता है प्रोटीन यह किसका निर्माण करती है तो यह प्रोटीन का निर्माण करती है किसका निर्माण करती है तो प्रोटीन की निर्माण करती है जहाँ जहाँ राइबोसोम आ जाएगा वहाँ वहाँ हम लोग प्रोटीन कर लेंगे जहाँ जहाँ राइबोसोम आएगा उसे हम लोग कोरिलेट कर लेंगे प्रोटीन को क्योंकि राइबोसोम क्या करता uh -hmm. है प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम क्या करता है तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है अगला जो टॉपिक है राइबोसोम राइबोसोम को क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करता है सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा होता है तो राइबोसोम होता है सबसे स्मॉलेस्ट कोशिकांग कौन होता है तो राइबोसोम होता है देखिए राइबोसोम की खोज जो किया था वो पायलट ने किया था किसने किया था पायलट ने इसलिए इसे पायलट कण भी कहते हैं पायलट ने खोज किया था इसलिए इसे क्या कहते है? हैं पायलट कण कहते हैं यदि पूछता है क्वेश्चन कि क्या राइबोसोम झिल्ली रहित है तो झिल्ली है कि नहीं तो यह क्या है झिल्ली रहित है ठीक है ना प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो हम लोग राइबोसोम को कहते हैं कोशिका का इंजन किसे कहते हैं तो राइबोसोम को कहते हैं राइबोसोम को क्या कहते हैं तो सबसे छोटी कोशिकांग होती है प्रोटीन के निर्माण करती है झिल्ली रहित होती तो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं कोशिका का इंजन कहते हैं जितने भी राइबोसोम से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो गया पूछता है राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे तो पायलट थे इसे इसलिए इसे पायलट कौन भी कहते हैं गोलजी काय है? गोलजी काय की कि खोज किसने की थी तो कैमिलो गोलजी ने किया था किसने किया था तो कैमिलो गोलजी ने किया था आपके गो, गोलजी काय की खोज अब पूछता है पादप को पादप में इसे जो गोलजी काय होता है पादप में इसे क्या कहते हैं तो डिक्टियोसोम सोम कहते हैं क्या कहते हैं डिक्टियो सोम यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप में गोलजी गाय को क्या कहते हैं तो डिक्टियोसोम सोम कहते हैं कोशिका के अंदर श्रावण अंग होता है कोशिका के अंदर का कार्य का इसका कार्य क्या है क्या तो कोशिका के अंदर श्रावण अंग है सिक्रेशन का कार्य करता है कोशिका के अंदर सिक्रेशन का कार्य कौन करता है तो गोलजी काय करता है अब अगला जो है तारकाय तारकाय या तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटोसोम तो इसकी खोज कौन किया था तो खोज करता थे इसके बोबेरी कौन खोज करता थे तो बोबेरी तारकाय की खोजकर्ता कौन थे तो बोबेरी थे उपस्थित कहाँ होता है तो यह उपस्थित केवल जंतु कोशिका में होता है उपस्थित कहाँ होता है तो केवल जंतु कोशिका में होता है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी कि तारकाय कहाँ उपस्थित होता है तो केवल जंतु कोशिका में होता है इसका कार्य क्या होता है तो यह कोशिका का विभाजन करता है इसका कार्य क्या होता है तो कोशिका का विभाजन करता है ठीक है ना सेल डिवीजन कौन करता है आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि सेल डिवीजन कौन करता है तो तारकाय करता है कौन करता है कोशिका का विभाजन कौन करता है तो तारकाय या सेंट्रोसोम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम तो कोशिका का विभाजन कौन करता है सेंट्रोसोम आकृति इसकी कैसी होती है तो आकृति इसकी बेलनाकार होती है कैसी आकृति होती है बेलनाकार होती है लवक लवक जो आपके तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिड इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिड तो लवक क्या होते हैं एक अवाणी लवक होता है एक वाणी लोग लवक, लवक होता है एक हरित लवक होता है कितने प्रकार के लवक होते हैं तो तीन प्रकार के एक होता है अवाणी लवक वाणी लवक हरित लवक अवाणी लवक को हम लोग लिको कहते हैं वर्णी लवक को क्रोमो कहते हैं और हरित लवक को क्या कहते हैं तो क्लोरो कहते हैं यहाँ पे देखिए क्रोमो है यहाँ पे क्लोरो है ठीक है अवंडी लोग क्या, कर, तो क्या करता है तो क्वेश्चन पूछता है अवंडी लोग क्या करता है तो खाद्य का संचय करता है इसका रंग कहाँ कैसा होता है तो बोले हम लोग कोरिलेट किए थे जहाँ जहाँ लिको वहाँ वहाँ व्हाइट तो इसका रंग कैसा होता है तो सफ़ेद रंग होता है यह देखिए जैसे अनाज गेहूँ का पादपों में पादपों पादकों में क्या करता है तो खाद्य संचय करता, करता है जब खाद्य संचय करता है तो कैसा क्या करता है स्टार्च या मंड के रूप में करता है कैसा, कैसा करता है तो स्टार्च या तो मंड के रूप में ठीक है स्टार्च या मंड के रूप में अब देखिए खाद्य संचय जो करता है पादपों में खाद्य संचय कैसा होता है तो स्टार्च या मंड के रूप में जबकि जंतु को जंतु कोशिकाओं में खाद्य का संचय कैसा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में किसके रूप में तो ग्लाइकोजन के रूप में तो क्वेश्चन पूछेगा कि पादप में खाद्य का संचय किस रूप में होता है तो स्टार्च के रूप में होता है स्टार्च के रूप में लेकिन वही जो है आपका जंतु कोशिका में कैसा होता है तो ग्लाइकेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है अब आते हैं अब आते हैं हम लोग वर्णी लवक या तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है और कौन सा होता है तो लाइकोपिन के, के कारण होता है किसके कारण होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है गाजर का नारंगी रंग कैसा होता है तो, तो, तो किसके कारण होता है तो यह कैरोटीन के कारण होता है ठीक है पीलिया में जो पीला रंग होता है यह कौन से पिगमेंट के कारण होता है बिलू के कारण कौन सा होता है बिलू के कारण मूत्र में पीला रंग जो होता है कोई किस वर्ण के कारण होता है तो ये यूरोक्राम यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला पीला रंग किसके कारण होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीलिया में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है तो बेलूरोबीन के कारण होता है गाजर का आपका नारंगी रंग किसके कारण होता है तो कैरोटीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है लाइकोपिन के कारण होता है अब हरित लवक हरित लवक को हरित लवक जो है इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इसे पण हरित कहते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं ठीक है क्लोरोफिल कहते हैं पर हरित में क्या होता है आपका मैग्नीशियम होता है क्या होता है मैग्नीशियम होता है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है तो प्रकाश पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया किसके कारण होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लोअ क्लो क्लोरो में संपन्न होती है अब देखिए इसका रिएक्शन जो होता है छः सी सी टू प्लस सिक्स एस टू ओ जो होता है आपका क्लोरोफिल यहाँ रहता है सूर्य का प्रकाश रहता है तो यह क्या करता है सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू अब देखिए यह क्या होता है यह आपका ग्लूकोज होता है यह जो हो यह संरचना कैसी है तो यह संरचना आपकी सरल स सर... सरल संरचना है और एक ऐसी संरचना है तो जटिल संरचना है तो हम हम लोग पहले पढ़े थे तो श्वसन की क्रिया तो श्वसन की क्रिया में क्या था एन कैटाबोलिक रिएक्शन था लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे जब सरल से जटिल होगा तो यहाँ पे कौन सा होगा उसका उल्टा एनाबोलिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा एनाबोलिक रिएक्शन श्वसन की क्रिया में कौन सा रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कैटाबोलिक हम लोग जटिल से सरल कर रहे थे ठीक है 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 और यहां पे क्या हो हो रहा रहा सरल से जटिल तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा तो एनाबोलिक रिएक्शन प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो होता है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश श्वसन प्र श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है श्वसन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है इसमें देखिए सी सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू जो है कैटाबोलिक रिएक्शन हो, होता है जबकि सी ओ टू प्लस एस टू ओ जो होता है यह आपका एनाबोलिक रिएक्शन होता है ठीक है पौधों में श्वसन पौधों में श्वसन कौन सी गैस ग्रहण करता है तो कौन सा गैस ग्रहण करता है तो ओ टू गैस ग्रहण करता है आपका देखिए पौधों प्लस जंतु दोनों जो हैं सजीव हैं तो सजीव में जब भी ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे ओटू ग्रहण करेंगे जबकि उत्सर्जन क्या करेंगे तो सीओ टू उत्सर्जन करेंगे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में जबकि इसका उल्टा होता है ग्रहण क्या करते हैं सीओ टू ग्रहण करते हैं और उत्सर्जन क्या करते हैं तो ओटू उत्सर्जन करते हैं तो यहाँ पे दोनों आप लोग कोरिली कोरिलेट कर लीजिएगा कि क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें सी ओ टू ग्रहण करता है जबकि उत्सर्जन क्या करता है तो ओ टू उत्सर्जन करता है अब आता है कि कौन से रंग में प्रकाश कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है और कौन से प्र रंग में प्रकाश संश्लेषण मिनिमम होता है तो मैक्सिमम किस में होता है तो मैक्सिमम आपके लाल रंग में होता है किसके रंग में तो लाल रंग में आपका मैक्सिमम होता है और मिनिमम किसमें होता है तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण निम्न होता है या मिनिमम होता है तो क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है तो अधिक किसमें होगा लाल रंग में और किसमें कम होगा तो हरे रंग में कम होगा आपका स्वपोषी भी विषम पोषी क्या होता है तो जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उसे क्या करते हैं स्वपोषी करते हैं जैसे पेड़ पौधे और जो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते उसे क्या कहते हैं विषम पोषी जैसे मनुष्य जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो उसे क्या कहते हैं विषम पोषी जैसे इसमें हो जाएगा स्वपोषी में पौधे हो जाएंगे प्लांट हो जाएंगे ये किसके द्वारा होता है तो फोटो के द्वारा होता है नेक्स्ट आपका है केंद्रक केंद्रक जो है केंद्रक की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था किसने कितने ईस्वी में तो अट्ठारह सौ इकतीस ईस्वी में इतने ईस्वी तो में तो अठारह सौ में राउट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था अध्ययन केंद्र के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कैरियोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं कैरियोलॉजी ये देखिए केंद्रक है आपका जब केंद्रक को हम लोग ऐसे केंद्रक से इसको खींच के बाहर यदि निकालेंगे तो ऐसी संरचना आपको दिखेगी ठीक है ऐसी संरचना आपको दिखेगी जालीनुमा संरचना इस जाली नुमा संरचना को धागे धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं तो क्रोमेटिल कहते हैं क्या कहते हैं क्रोमेटिल जाल तो धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं क्रोमेटी जाल कहते हैं और इस क्रोमेटिल जाल में ही गुणसूत्र होता है ठीक है इस क्रोमेटिल जाल में क्या होता है गुणसूत्र होता है अब देखिए गुणसूत्र में जो होता है आपका डीएनए प्लस प्रोटीन होता है गुणसूत्र में क्या होता है डीएनए प्लस प्रोटीन होता है तो डीएनए जो है यह हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है जबकि प्रोटीन जो है कौन सा प्रोटीन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है कौन सा प्रोटीन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है क्रोमो क्रो, जो क्रोमो शब्द है इसके किसने नाम दिया था किसने शब्द दिया था तो यह दिए थे वाल्ड जबकि आपके डीएनए का मॉडल किसने दिया था तो डीएनए का मॉडल आपका वाटसन एंड क्रिक दिया था कौन दिए थे वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था इसे भुजा कहते हैं तो भुजा के जो मिलाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं तो सेंट्रोमियर कहते हैं या क्वेश्चन पूछता है कि भुजा को मिलाने वाले को क्या कहते हैं तो सेंट्रो कहते हैं मनुष्य में कितने होती हैं तो तेईस पेयर होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं तो तेईस पेयर होते हैं तेईस पेयर को हम लोग छियालीस कह देंगे तेईस पेयर में पेयर में पेयर में दो होते हैं तो छियालीस होते हैं ठीक है तो एक होता है जैसे एटोसोम एक होता है एलोसोम तो एटोसोम जो होता है काई गुणसूत्र होता है काई गुणसूत्र होता है यह कितने पेयर होता है तो आपका बाईस पेयर होता है तो पूछता है कि एटोसोम कितने पेयर होते हैं तो बाईस पेयर होते हैं जबकि एलोसोम कितने होते हैं तो एक पेयर होते हैं ठीक है कितने एक पेयर होते हैं तो एक पेयर होते हैं अब देखेंगे नर में क्या होता है तो नर में आपके यक्ष और वायु होते हैं मादा में क्या होता है यक्ष और एक्स होते हैं वायु गुणसूत्र में नर या मादा का निर्धारण करता है वायु गुणसूत्र के कारण ही आपका क्या होता है मादा का निर्माण होता है मादा का निर्धारण किसके कारण होता है तो आपका वायु गुणसूत्र के कारण अपवाद जो हो जाता है इसका अंडाशय में अंडाशय और शुक्राणु में केवल तेईस के तेईस गुणसूत्र होते हैं तेईस तेईस गुणसूत्र अंडाशय और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं तो तेईस तेईस गुणसूत्र होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं तो तेईस तेईस गुणसूत्र अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है तो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए तो डीएनए को क्या कहते हैं डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ यही होता है डीएनए जबकि आरएनए को क्या कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसे क्या ये क्या होता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस जो होते हैं जो कि अनुवांशिक कार्य अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये किस में होता है तो आर में होता है एड्स या एच आई आर एन ए के किसके कारण होता है तो ये आपके आर एन ए के कारण होता है अब देखिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग जैसे आपका न्यूक्लियस ये है क्या है ये आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को जब खींच के बाहर निकालेंगे न्यूक्लियस को क्या करेंगे जब न्यूक्लियस को खींच को बाहर निकालेंगे हम लोग तो आपका ये हो गया क्रोमोसोम ये जो है आपका ये क्या हो गया क्रोमोसोम हो गया तो न्यूक्लियस को बाहर जब निकालते हैं तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है और जब क्रोमोसोम में भी क्रोमोसोम को भी क्या करते हैं क्रोमोसोम को जब खींचते हैं ऐसे तो खींच के जैसे ये क्रोमोसोम है इसको खींच दिए ठीक है तो खींचने पे क्या मिलता है हमें डीएनए का प्राप्ति होती है क्या प्राप्ति होती है डीएनए प्राप्त होता है और जब डीएनए को भी खींचते हम लोग तो जब डीएनए को भी खींचते हैं तो हमें प्राप्त होता है आपका जीन की प्राप्ति होती है ओके जय हिंद थैंक यू यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट अपना ज़रूर सजेशन दें कि ये कंटिन्यूस करें या ना करें ओके जय हिंद थैंक यू